8 फरवरी की तारीख के करीब आते ही जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने भागना शुरू कर दिया है, हर तरफ मायूसी फैलानी शुरू कर दी है कि हमें इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये 2 नंबर उम्मीदवार हैं और हम 1 नंबर हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर एक और आफत पड़ी हुई है, जितने ज्यादा उम्मीदवार हैं वो खुद को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। अफवाजे पाकिस्तान ने 24 घंटों में पाक ईरान का इशू खत्म करके पाकिस्तान को एक बड़ी मुसीबत और एक दोस्त को दुश्मन होने से बचा लिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपनी सियासी तोपों का रुख जो है वो पंजाब यानी कि लाहौर की तरफ कर लिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट बनाते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को वेलकम कहना शुरू कर दिया है। इस्लामी पाकिस्तान ने इंतहाबी मुहिम में हिस्सा लेके पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जान डाल दी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आम इंतखाबात के बाद सफाया हो जाएगा। इलेक्शन के बाद एक नया सियासी इतिहाद वजूद में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़िम मैं हूँ आसिफ वाड और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। तो नाज़िम आज भी आपके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है और बड़ी दिलचस्प मालूमात है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में सियासी माहौल है और इंटरनेशनल इशू जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उसके हवाले से हमारे पास आपको बताने के लिए बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन है, जिसका हम आगाज़ करेंगे और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और आने वाले वक्तों में क्या होगा। सबसे पहले आपको बताता चलें कि 8 फरवरी की तारीख के करीब आते ही जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने भागना शुरू कर दिया है, हर तरफ मायूसी फैलानी शुरू कर दी है कि हमें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चंद दिनों में भाग जाएंगे, उनके इलेक्शन के उनके जो जलसे जुलूस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। यानी कि तरह तरह के झूठे प्रोपेगेंडे जो हैं वो इस वक्त जो है ना फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है ना वो बढ़ चढ़ के फैला रहे हैं। और दूसरी जानब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जलसे जुलूसों में ढोंके भी बननी शुरू हो गई हैं, लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है, उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी शुरू हो गया है और उन्होंने तकरीरें वगैरह शुरू कर दी हैं, जाके पीटीआई की जो कारकुनान रहनुमा मंजर आम से अभी तक तो गायब है। ये 2 नंबर उम्मीदवार हैं और हम 1 नंबर हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर एक और आफत पड़ी हुई है, जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं वो खुद को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं, और जबकि जिनको टिकट डिक्लेयर किया है, टिकट होल्डर हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है हम 1 नंबर हैं और ये 2 नंबर हैं, जबकि जो उम्मीदवार दूसरे हैं जो जिनका तल्लक था पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वो भी खुद आज खड़े हैं, वो कहते नहीं जी नहीं, चेयरमैन ने इनको टिकट नहीं दिया, हमें दिया है। और अब तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं वो अपनी जो टिकट मिली थी ना पार्टी की तरफ साल लेके घूम रहे हैं कि भाई ये हमें मिला था। और दूसरी जानब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ नज़रियाती वाली टिकट है वो भी लेके घूम रहे हैं। अब ये नहीं कन्फर्म हो पा रहा कि असल टिकट होल्डर कौन है, किसको टिकट मिला हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को शदीद जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हम वोट किसका मांगे और कैसे मांगे। अफवाजे पाकिस्तान ने 24 घंटों में पाक ईरान का इशू ख़त्म करके पाकिस्तान को एक बड़ी मुसीबत और एक दोस्त को दुश्मन होने से बचा लिया, और बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली पाक फौज ने किस तरीके से इसको मैनेज किया, और पाक फौज की हिकमत अमली ने अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मनों थे उनके मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेर के अवामुन्नास के सामने उन दुश्मनों के असल चेहरे जो हैं वो ला खड़े कर दिए हैं। अब जिनको नहीं भी पता था और जिन्होंने ये तस्वीरें, एकदम जब ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरपर्सन गौहर ब्रिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं ने, ईरानी जो सियासतदान थे जो रहनुमा थे उनके साथ तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, और दूसरी जानब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फुल फ्लज काम उठाना शुरू कर दिया फौज पाकिस्तान का। लेकिन फौज पाकिस्तान ने 24 घंटे में जवाब दे के मामले को रफा दफा करके इनके तमाम जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेंक के लैंटर डाल के इनको एक तरफ करके, और इनके जो रेलू कट्टे थे ना, और जो इनके रेलू कट्टे कहते हैं कि दानेश्वर भी थे, उनको भी डब्बे में पैक करके ने एक तरफ रख दिया है, और एक बार फिर पाक ईरान दोस्ती जो है वो ट्रेन के ऊपर, ट्रैक के ऊपर जो है वो चल पड़ी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपनी सियासी तोपों का रुख जो है वो पंजाब यानी कि लाहौर की तरफ कर लिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट बनाते हुए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वेलकम कहना शुरू कर दिया है, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो दरीना नाराज कारकुनान थे उनके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है और उनको अपने साथ मिला के उनको अहदे देने भी शुरू कर दिए हुए हैं, और जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से बिलावल भुट्टो के हलके में पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो मकबूल हो रही है। आज जब मैं ये बड़े दावे से कह रहा हूँ, जब मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका होगा, कल आप देखेंगे वी लोग मेरा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान के खिलाफ मुल्क दुश्मनी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अमली तौर पर सजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द मजीद कड़ा जो है वो सख्त कर दिया जाएगा, और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उनको सबूत, उनके जो कारकुनान रहनुमा कैद हैं उनको सबूत दिखाते हुए उनके ऊपर जो है जुर्म फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी, और उनके साथ जो मुलव्वस कारकुनान व रहनुमा हैं जो मंजर आम से गायब हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए उनके इर्द गिर्द रिश्तेदारों के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियों का मजीद सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, ट्विटर्स के ऊपर पाकिस्तान दुश्मन कंपेन कर रहे हैं, अदारों को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों की फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया है। सगामे पाकिस्तान ने इंतहाबी मुहिम में हिस्सा लेके पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जान डाल दी है, रौनक बढ़ दी है। उन्होंने जिस तरीके से भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया है और चारों तरफ बैनर स्टीमर जलसे जुलूस करके इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी होने का सबूत दिया है, और इलेक्शन के रिजल्ट तक जहाँ तक मेरा ख्याल है इस्तकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है एक बड़ा सरप्राइज देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के बाद सफाया हो जाएगा, इलेक्शन के बाद एक नया सियासी इतिहाद वजूद में आएगा। ये मैं आपको ये भी ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि इलेक्शन के फौरी बाद एक नया सियासी इतिहाद वजूद में आएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में एक नया नवाबजादा नसरुल्लाह जो है वो सामने आएंगे। जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह का किरदार था, जैसे वो जिस तरीके से अपोजिशन लीडर रहे हैं तमाम उम्र, एक ऐसा ही करेक्टर जो है वो इस इलेक्शन के बाद मंजर आम पे आएगा। वो एक सियासी इतिहाद बनाएगा, सियासी बैठक होगी, बड़े बड़े सियासतदान उसमें शामिल होंगे जो नए तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नए अपोजिशन लीडर का किरदार फाइनल हो चुका है, और उसके पहले जो साथी, उनके जो पहले खिलाड़ियों का चुनाव हुआ है उसमें सबसे करीब तरीन जो उनका साथी होगा उसका नाम एजाजुल हक होगा। जी हाँ, जनरल जियाउल हक के रिटायर के सबका जनरल जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक होंगे, और शेख रशीद भी उसका हिस्सा होंगे। तो अब देखते हैं कि ये इतिहाद इलेक्शन के कितने दिनों बाद वजूद में आता है, और ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने आज का वी लोग जो है 21 जनवरी का वी लोग जो है वो याद रखना है कि मैंने ये ब्रेकिंग दी थी। उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें, और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।